खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, मिठाई बांटने की कीजिए तैयारी, लड्डू बांटने नाचने कूदने के लिए हो जाओ तैयार। जुलाई अगस्त 2024 में 5 राशियों का बनेगा विवाह का योग। जी हाँ दोस्तों, 5 राशियों के घर में गूंजेगी सहनाई। अब आपके अकेले रहने के दिन खत्म हो चुके हैं। आपको बता दें, जुलाई और अगस्त में ग्रहों का गोचर, अंतरदशा, महादशा और ग्रहों की युति कुछ विशेष राज्यों का निर्माण कर रही है, जो कि 5 राशियों के लिए काफी ज्यादा लकी होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही शीघ्र विवाह के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। जय श्री शनेश्वराय, नमः मित्रों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसे ही कोई नया महीना शुरू होता है ना, तो सभी लोगों के मन में जानने की यह उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर यह जो नया महीना है, यह मेरे लिए कैसा रहेगा। क्या इस नए महीने में मेरा कोई महत्वपूर्ण कार्य जो अटका हुआ है, यह पूरा होगा या नहीं। तो आज के इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि जुलाई के महीने में 4 बड़े ग्रहों का महागोचर होगा। सबसे पहले शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे, और आप सभी को पता ही होगा कि शुक्र का संबंध सुख संपत्ति धन दौलत ऐश्वर्य और साथ ही स्त्री सुख से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा 2 बार बुध का महागोचर होगा। सूर्य देव भी अपने स्थान को परिवर्तन करेंगे, और साथ ही जुलाई के महीने में लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य राजयोग सहित कई महत्वपूर्ण राजयोग बनने से कई राशि वाले लोगों का भाग्य बल बनने जा रहा है। दोस्तों, जब भी विवाह योग बनता है ना, तो उस व्यक्ति की कुंडली या राशि में गुरु और शुक्र का सही स्थिति और सही भाव में होना अनिवार्य रहता है। तो चलिए जान लेते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में 5 राशियां ऐसी हैं जिनका रिश्ता निश्चित होने वाला है, और साथ ही जैसे ही देव शयन होने के बाद देव वापस जागृत अवस्था में आएंगे लगभग नवंबर दिसंबर में, उसी समय इन 5 राशि वाले लोगों के घर में सहनाई गूंजने वाली है। अब अकेले यानी कि सिंगल रहने के दिन खत्म हो चुके। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं जुलाई और अगस्त महीने की सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए जुलाई और अगस्त के महीने में जो ग्रह और नक्षत्रों का महापरिवर्तन होने जा रहा है ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने वाला है। जुलाई के महीने में बुधादित्य राजयोग बनेगा, गुरु और शुक्र शुभ स्थिति में मौजूद रहेंगे, जिससे लंबे समय से अगर आप लोग प्रेम यानी कि प्यार के लिए तरस रहे थे, वो अब आपकी इच्छा पूरी होगी। जुलाई के महीने में आप लोगों को मनपसंद जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। जो पहले से ही शादीशुदा है यानी कि मैरिड है ना, उनका पार्टनर के साथ अंदर से रिश्ता मजबूत बनेगा। करियर के मामले की अगर बात करें, तो भी आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। व्यापार में लंबे समय से जो भी परेशानी या दिक्कत आ रही थी, 15 जुलाई के बाद जैसे ही सूर्यदेव महापरिवर्तन करेंगे, उसके तुरंत बाद व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, और साथ ही की बचत भी कर पाएंगे। जो भी कुवारे हैं, सिंगल है और लंबे समय से अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, चाहे आपकी कुंडली में मांगलिक या काल सर्प का दोष ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से आपके विवाह में कोई देरी या बाधा भी बन रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जुलाई का जो महीना है, यह मेष राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और बलशाली माना जा रहा है। मांगलिक दोष की वजह से शादी में देरी होती है या विवाह के बाद पति पत्नी के रिश्तों में कुछ कठिनाई देखी जाती है, रिश्तों में अनबन जैसी भावना विद्यमान रहती है, लेकिन जुलाई के महीने में आप लोगों के लिए यह काफी अच्छा परिवर्तनकारी माना जा रहा है। एक तो मेष राशि के स्वामी ही भगवान मंगल देव है, और साथ ही लंबे अरसे के बाद मंगल देव भी अब उच्च श्रेणी में विराजमान रहेंगे, जिससे नए नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी। विपरीत लिंग के प्रति आप दोस्ती का प्रस्ताव करेंगे, और इसी जुलाई और अगस्त के महीने में आपका प्रेम प्रसंग भी चल सकता है। कालांतर में अगले 1-2-3-4 महीनों के दौरान आप उसी के साथ प्रेम विवाह कर पाएंगे। यानी सिंगल लोगों के लिए तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी वाला समय सामने आ चुका है। जुलाई 2024 का जो महीना है, यह आप लोगों के सौभाग्य के नए दरवाजे खोल कर लाएगा। जो विद्यार्थी है, चाहे किसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा।
रहेगा, पारिवारिक सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। और साथ ही अगर आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं या नई जगह पर कोई भी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो भी जुलाई का महीना आप लोगों के लिए अति उत्तम रहेगा। जुलाई में जो लक्ष्मी नारायण महायोग बन रहा है, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा होने वाला है। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शीघ्र विवाह के लिए आप भगवान शिव शंकर के साथ ही माता पार्वती जी की पूजा करें। माता पार्वती की पूजा खास तौर पर लड़कियों को तो करनी ही चाहिए। पूजा में माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाएं। इससे विवाह से जुड़ी आपकी सारी बाधाएं दूर होगी और साथ ही अगले 2 महीनों के अंदर अंदर आपको विवाह से जुड़ी कोई भी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जुलाई में मित्रों क्या है ना कि सावन का आगमन होने जा रहा है। 22 जुलाई से ही सावन की भी शुरुआत होगी। ऐसे में आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा और लकी रहने वाला है। चलिए जान लेते हैं जुलाई 2024 की अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न यानी कि स्टोन कौन सा है और उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवा कर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं परेशान हो चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं अटक जाते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं जुलाई 2024 की अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी जुलाई का महीना काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने वाला है। व्यापार यानी कि बिजनेस परिस्थिति की बात करें तो आप समझदारी से जो भी फैसले लेंगे ना उसमें आप बहुत ही अच्छा नाम कमाएंगे। लंबे समय से आपकी जो भी योजनाएं प्लानिंग अगर सफल नहीं हो पा रही थी तो वो सफलता की ओर बढ़ती जाएगी। लव लाइफ में आपको खुशियां ही खुशियां रहेगी। आपके लव पार्टनर के साथ रिश्ते जो है पहले की तुलना में अच्छे और मधुर बनेंगे। 22 जुलाई के बाद जैसे ही सावन महीने की शुरुआत होगी तो आप अपने लव पार्टनर को जिससे आप प्रेम करते हैं और अगर आप अपने रिश्ते के प्रति वफादार है ना तो उसे प्रेम विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं। ग्रहों की दशा और अनुकूल स्थिति इस बात की तरफ प्रबल इशारा कर रही है कि आपका विवाह का प्रस्ताव मंजूर हो जाए। और साथ ही जो सिंगल है ना जिनकी लाइफ में अगर कोई भी नहीं है तो भी जुलाई और अगस्त के महीने में आपके लाइफ में किसी ऐसे पार्टनर की दस्तक हो सकती है जो कि आगे जाकर प्रेम संबंधों में तब्दील होगी। शादीशुदा
ज्यादा लोगों की बात करें तो जीवन साथी के साथ आप प्रेम और विश्वास के साथ खुशनुमा लम्हे बिता पाएंगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां जरूर आ सकती है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से इन चुनौतियों को अवसर में बदल देंगी। परिवार के मामलों में आप बातचीत से उसे सुलझाएंगे तो बड़े से बड़ा विवाद भी सोल्व होगा। बाकी जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और कई दिनों से अगर अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे तो आपकी ये तलाश जल्द ही पूर्ण होगी और जुलाई के महीने में आप लोगों को सगाई होने से जुड़ी यानी कि एंगेजमेंट से जुड़ी कोई भी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कर्क राशि वाले लोग शीघ्र विवाह के लिए मंगलवार के दिन मंगल चंडिका स्रोत का पाठ करें। उसके अलावा पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके गुड़ और चने का भोग लगाएं। उसके अलावा गुरुवार के दिन का व्रत करें और गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष भी विद्यमान है ना, तो भी शीघ्रता शीघ्र आपका जल्द से जल्द विवाह का योग निश्चित तौर पर बनेगा। चलिए जान लेते हैं विवाह योग 2024 की जुलाई महीने की अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है उनकी मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी जुलाई का महीना काफी अच्छा और बदलाव पूर्ण रहने वाला है। एक तो जुलाई के महीने में शुक्रदेव बदलाव करेंगे, आपके सातवें घर में प्रवेश रहेंगे, जिससे आप लोगों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। लंबे समय से अगर आप बेरोजगार है या आप अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज लेना चाहते हैं, तो आपकी यह नौकरी की तलाश पूर्ण होगी। मन चाहे जगह पर जुलाई के महीने में आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। आपके दिमाग में लंबे अरसे से अगर कोई भी बिजनेस का प्लान चल रहा है ना, तो भी ये प्लान इस महीने में आप सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। नए व्यापार शुरुआत करने के लिए भी आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। प्यार और प्रेम के मामलों की बात करें तो आप जबरदस्त रूप से काफी ज्यादा भाग्यशाली होंगी। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ नजदीकी महसूस करेंगे। कई मुद्दों पर पार्टनर से आप खुलकर बातचीत भी करेंगे और आप महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और लंबे समय से अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, तो आपकी यह तलाश सब पूर्ण होने वाली है। माता पार्वती जी और भाग्य लक्ष्मी के आशीर्वाद से जुलाई और अगस्त ये दो महीने कुंवारे और सिंगल लोगों के लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। इन दो महीनों में आप लोगों की सगाई या एंगेजमेंट निश्चित होने की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जुलाई के महीने में दोस्तों सोमवार के दिन आपको उपाय बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ जी को गन्ने के रस से अभिषेक करें और सावन के सोमवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाकर माता पार्वती जी की पूजा करें। उसके अलावा आपके आसपास अगर कोई भी कुंवारी कन्या है तो सावन में सोमवार वाले दिन आप उस कन्या को वस्त्र दान कीजिए। और कोई भी अगर महिला है, लड़की है, जिसकी शादी में दिक्कत आ रही है ना, तो आप माता पार्वती जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और सावन के सोमवार के दिन ही किसी भी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री का दान कर दीजिए। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।